अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वीडियो मैं उसी दिन शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना जो मैंने मीट बॉल्स वगैरह बनाए थे, मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, वो बना के खाना खा के हम लोग बाहर निकल गए थोड़े से स्नैक्स लेने के लिए। घर पे शहजाद काम करवा रहे थे तो हमने जो जाना है ओशन लाइनर पर नाइट स्टे करने के लिए। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, हॉन्टेड शिप की स्टोरीज भी मैं हामी को सुनाऊंगी। तो हम लोग निकल गए थोड़े से स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए लेने के लिए कि अगर आधी रात को भूख वगैरह बच्चों को लगे आफ्टर डिनर तो वो कुछ स्नैक्स खा सके। आगे हम लोग चीज़ें वगैरह लेके, और अभी मुझे ना ये दो ड्रेसेस हैं, एक तो मैंने इसको छोटा करवाना है ड्रेस को, और लेंथ जो है ना इसकी थोड़ी सी कम करानी है, और दूसरा ये वाला है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है ड्रेस ना, तो लेकिन इसको छोटा कराना है फिर ही पहन सकूँगी, अभी तक ये पहना नहीं है मैंने। तो सोच रही हूँ कि यहाँ से ये जो फ्रिल है ना इसको यहाँ से ऐसे करवा दूँगी थोड़ा सा यूँ, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और इस काम के लिए जो है वो टेलर घर आ रहा है, यहाँ पे ये बड़ी मज़े की सर्विस है कि हर कोई घर पे आके काम कर देता है। सो अभी टेलर पहुँच रहा है 5 मिनट में, और मेजरमेंट वगैरह वो लेके तो फिर ये खुद ही स्टिच करके ला भी देगा। अब आ गया है जी फ्राइडे, और सारे कामों से फ्री होने के बाद, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि चलें अपना जो थोड़ा सा कल मैंने सामान बखेरा हुआ था बैग्स वगैरह खोल के, तो उनको भी मैं सेट कर लेती हूँ क्योंकि रात लेट हो गए थे हम, तो फिर मैंने किया नहीं था। और दूसरा ये कि मुझे बैग को भी थोड़ा बहुत क्लीन करना था, इतना कोई खास डर्टी तो नहीं है लेकिन फिर भी होता है ना कि मैंने वो कवर्स वाले बैग नहीं लिए, वो तो एक दफ़ा मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप बैग्स लेने का प्लान रखते हैं तो प्लीज़ वो प्लास्टिक शीट के कवर्स होते हैं वो वाले लें, लाइफ आसान हो जाएगी। हमारे स्टोर में वैसे कोई डस्ट नहीं आती लेकिन अपने आप को ये फील हो रहा होता है ना कि मतलब बैग पुराना पुराना लग रहा है, तो उसको ज़रा क्लीन कर लो, तो बस वही जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं ताकि क्विकली कर सकूँ। तेहामी की ये विंटर जैकेट है, मुझे मिल ही नहीं रही थी कि कहाँ पड़ी हुई है, और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसको इस बैग में रखा हुआ है। तो शहजाद ने लास्ट टाइम भी बैग निकाल के मुझे दिया था छोटी ईद पर ट्रैवल करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे ये जैकेट नहीं दी, तो कहते मैंने अपनी कबर्ड में रख दी कि वापस आके बैग खाली होगा तो उसमें वापस डाल दूंगा। खैर यहाँ पर ना मैं हिजाब्स वगैरह थोड़े से रीअरेंज कर रही हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं फोल्ड करके तो बैग में रख दूँगी, और जो मुझे चाहिए उनको मैं निकाल के तो इसमें अरेंज कर दूँगी। जब से हिजाब शुरू किए हैं ना तो वो हिजाब की कलेक्शन भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी बन गई है ना कि वो भी एक कपड़ों की तरह काम होता है, उनको भी समेटना रीअरेंज करना। इसी कबर्ड के ना दूसरे हैंगिंग सेक्शन में मैंने हैंगर्स पे ये बैग लगाए हुए थे, उस तरह भी अच्छे थे, नज़र आ जाते थे कौन कौन से बैग्स हैं तो आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में मैंने इसी तरह रखे होते थे, या तो कबर्ड में बिल्कुल इस तरह लास्ट में, तो या फिर दरवाजे के पीछे हैंग किए होते थे। उस तरह से ये था कि वहाँ पर डस्ट बहुत आती थी और मैं बड़ा तंग होती थी, बैग्स मेरे ख़राब होते रहते थे। लेकिन ये ऐसे ना ईजी हो जाता है, आप जो भी ड्रेस चूज़ करते हैं उसके साथ आपको बैग सेम कबर्ड में होना तो ईजी हो जाता है। दूसरी कबर्ड में मेरे सारे ईस्टर्न ड्रेसेज होते थे, तो वो तो मैंने घर में पहनने होते हैं ना, तो उनके साथ बैग्स की जरूरत नहीं होती। सो अब ये सारा कुछ हिजाब और ये कपड़े और बैग एक ही सेक्शन में हो गए, अब मेरे लिए इजी हो गया। वाओ कितना अच्छा कार्डिगन है ये, इसके साथ बहुत लंबी ना बहुत बड़े घेरे वाली फ्रॉक भी है, और साथ में इसके चूड़ीदार है, और उसके ऊपर भी ये गाउन है। ये मैंने लिया था लास्ट ईयर ईद पे, छोटी ईद पे, मैं यहीं पे यूएई में थी तो उस वक्त मैंने ये लिया था, तो बहुत ये प्यारा है। लेकिन बस एक बार पहन के पिक्चर खींच के तो बंद कर दिया इसको, पैक करके रख दिया। तो वैसे ही ना मैंने ये कार्डिगन जो है ना निकाल के रखा हुआ है कि चलो किसी कपड़े के साथ ना ये ड्रेसिंग कर लेंगे, लेकिन मैं इतनी खुश हो रही हूँ, इतना ये प्यारा है ना। बस इसका ये है कि नमाज के लिए ना ये इसके बगैर नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो चले जस्ट एक ऊपर ओवरऑल की तरह ही है, आप इसको इसके बगैर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस पे पीकॉक्स बने हुए हैं, बहुत प्यारा है ना, ये कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट लग रही है। और ये है भी चिकनकारी की, और ना ये मैंने फर्स्ट टाइम अब मैं पहन रही हूँ, ये मैंने पता नहीं कहाँ से ली थी, मैक से या सेंटर पॉइंट से ली थी ना, तो इसके साथ वो जो आगे नॉट लगाते हैं ना वो भी थी, लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न वो अच्छी नहीं लग रही थी, किसी भी कपड़ों के साथ मैं ऐसे नॉट लगाती थी ना वो अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने फिर ना टेलर को दे के कल जब दिया था तो ये मैंने यहाँ से उसकी नॉट वाली जो ऐसे बना हुआ था ना उसका रिबन सा वो बंद कर ख़त्म करा दिया, तो अब ये एक अच्छी सी जैकेट सी हो गई है कि आराम से ऊपर पहन।
तो खैर बड़ा मजा आता है अपने कपड़े वगैरह जब आप इधर से उधर कहीं शिफ्ट कर रहे हो ना, तो साथ आप देखें कि क्या क्या है आपके पास, पहन पहन के देखें, बड़ा मजा आता है। तो अभी हम जा रहे हैं मैरियट होटल, मैरियट कोर्टयार्ड हाँ उसका नाम है, और हमारी फ्रेंड ने इनवाइट किया हुआ है, बस हम दो ही फैमिलीज हैं तो उधर जा रहे हैं। और वैसे जब भी हमने अपना कहीं निकलना होता है ना, उससे पहले भाग दौड़ ही लगी होती है, सो आज भी ऐसे ही हुआ, वरना मैं चाहती थी मेरे पास आज का दिन होता तो उसमें मैं सुकून से जरा अपनी तैयारी कर लेती, लेकिन वो इतनी प्यारी फ्रेंड है और उसने और मैंने मिलना भी जरूर होता है, कभी वो बुला लेती है हमें बाहर, कभी हम उसे बाहर बुला लेते हैं, हम लोग घर पे हार्डली मिलते हैं, हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें देखा हुआ भी है दोनों फैमिलीज को इकट्ठे फिरते हैं। आज जो मैं शाम में पहन के जाऊंगी वो ये वाला ड्रेस है, येलो सा कलर है ये देखें, तो शहजाद मुझे बोल रहे थे कि येलो कलर के पहनो, तो मैंने कहा वो बहुत ज्यादा ब्राइट लगेगा, तो ब्राइट कपड़े कोई और तरह के अच्छे लगते हैं लेकिन नाइट में मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं, तो साथ में मैं ये वाला ट्राउजर पहनूंगी और ये वाला जो दुपट्टा है ना ये मैं इसके साथ पहनूंगी, इसको ये डबल कलर का, डबल शेड का है, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह, तो प्रोबेबली ये वाली साइड में ऊपर करूंगी, तो इसमें ग्रीनिश भी नजर आ जाएगा और ब्राउनिश। हमने निकलना है सैटरडे को और हमारा 2 बजे वहां पे चेक इन है क्वीन एलिजाबेथ में, वहां पे बफे डिनर होगा, उसके लिए मैंने ये ड्रेस पहनना है और इसके साथ में ये बेल्ट है, ये जब मैं पहनूंगी तो पिक्चर्स वगैरह आपसे मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, ये देखिए बहुत प्यारा ड्रेस है ये भी, और इसमें ब्लैक और रेड है, और इसके साथ जो मेरा हिजाब है वो मैंने चूज कर लिया हुआ है, ब्लैक कलर का हिजाब होगा लेकिन इसके साथ ट्राउजर जो है ना ये रेड कलर का होगा। तो फिर हमने नाइट स्टे करना है और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करना है और शिप में इधर उधर घूमना फिरना, 12 बजे हमने चेकआउट कर देना है, तो मॉर्निंग में मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ये ग्रीन है और इसमें भी यहाँ पे इलास्टिक है, वैसे ये शॉर्ट शर्ट है और इसके साथ ना मैंने ये स्कर्ट वेयर करनी है और ये स्कर्ट बहुत क्यूट लगती है इसके साथ। सो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए और नॉच व्लॉग्स लिखे तो मैं नजर आ जाऊंगी आपको, और मेरे वहां पे 50K भी होने वाले हैं, तो मैं सोचती हूँ बीच में इनएक्टिव हो गई थी तिहामी की एग्जाम की वजह से, मैं फिर वापस आऊंगी इंस्टाग्राम पे, कोशिश करूंगी एक्टिव रहूं, तो ये मैं सारी पिक्चर्स वगैरह ना हम लोग के साथ साथ में वहां पे शेयर करूंगी और उसके बाद व्लॉग में आप देखेंगे, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं भी है तो व्लॉग में देखेंगे। तो चले अभी देखते हैं बाकी का दिन और अब आपसे एक ही दफा रेडी होने के बाद आई थिंक मिलूंगी। हम लोग भागे भागे रेडी होके आए हैं, एज ऑलवेज हमने लेट होना होता है, अभी वहां जाने के लिए टाइम है लेकिन घर से निकलते निकलते लास्ट में मेरी वजह से लेट हो जाते हैं। सॉरी मैं भी आज मेरी वजह से आप लेट हो। यस वी गो टू रेस्टोरेंट एंड लीसा विल मीट अस देयर। तो अभी मैं आपको बस वहां पहुंच के फिर मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, लेकिन चले मैं आपको अपना खाना दिखा दूंगी बस, है ना, हम अपनी गपशप लगाने में बिजी होंगे और फिर हमारे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं ना वो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरा के सामने, तो हम एक्चुअल में उनको फिर पूछते ही नहीं है, मतलब हमारे माइंड में होता है कि वीडियो में आना है वीडियो में आना है, तो अगला पता नहीं क्या सोचे, मुरब्बत में आप भी जाए लेकिन फिर वो ज़रा उसको अच्छा ना फील। 7 o'clock हम लोग इनवाइटेड थे लेकिन लग रहा था कि जिस तरह पहुंचेंगे ना तकरीबन 7:10, 7:15 हो जाएंगे। खैर वो सामने देखें बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, सारी दुबई की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जब आप शारजा अजमान वाली साइड से आते हैं तो आपको इसी तरह नज़र आता है, और ये है जी म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, इधर भी हम जाएंगे, यहाँ पे इधर का जो शेख है ना उनकी सारी जो सेइंग्स है ना उसके ऊपर ये लिखी हुई है, मैं पहले समझती थी कि शायद ये ना कुरानी का आयत लिखी हुई है, ये बहुत प्यारा म्यूज़ियम है, सो इसको भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे जाके। बस ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के पास से गुजर रहा हूँ मैं आज, 5-10 मिनट्स इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है ना। ओके थैंक यू वेरी मच। ये हम पहुँच गए, ये है मैरियट कोर्टयार्ड। मिशारी तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, हम लोग भी खुश थे 2 महीने के बाद मिल रहे थे, और मैरियट कोर्टयार्ड की एम्बियंस बहुत प्यारी है, लेकिन हॉल में ऑलरेडी काफ़ी सारे गेस्ट बैठे हुए थे तो इस वजह से मैंने हॉल की वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता लोग अपना खाना खा रहे होते हैं, तो मेन्यू जो है ना वो बहुत अच्छा था, वेराइटी भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट जो है ना टेस्ट तो बहुत अच्छा था। मैंने अब तक जितनी भी जगह ट्राई की हैं मुझे रमादा बीच होटल अजमान का टेस्ट बेस्ट लगता है, लेकिन इनका भी टेस्ट पूरे कॉम्पिटिशन पर पूरा उठ रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट था। ये सिर्फ जो ग्रिल है ना ये मैंने ट्राई नहीं की है, नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पे आएंगे तो मैं ग्रिल भी जरूर ट्राई करूंगी। ये
मैं जब भी अक्सर बाहर आती हूँ ना इस तरह किसी और फैमिली के साथ, तो ये क्लिप्स वगैरह बनाने की ड्यूटी शहजाद को दे देती हूँ, वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना भी देते हैं वीडियो। एक्चुअली क्या होता है कि मैं ना तो फिर कोई पिक्चर्स शेयर करती हूँ, ना मैं हम लोगों के आपस में बैठे हुए क्लिप्स शेयर करती हूँ, तो मैं वैसे ही फिर मेमोरीज के लिए ये मेन्यू की ही वीडियो बना लेती हूँ कि कैसा मेन्यू था, बाद में लुक बैक करें वीडियो पे तो मज़ा आता है देख के। तो खैर बाकी ये है कि गपशप लगाई और फिर हम प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट हमने कहाँ मिलना है, क्योंकि नेक्स्ट हम जहाँ पे भी मिलेंगे फिर हमारी तरफ से उन लोगों को इनविटेशन होगा। तो ये भी वैसे तरीका अच्छा होता है कि हर वक्त घर पे बना बना के इतनी मेहनत भी करें, फिर कोई गेस्ट घर पे आए तो आप उसको सर्व करें, फिर बर्तन रखें, बर्तन उठाएं, बर्तन धोएं, और बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा रहता है कि बाहर मिल लिया, एक तो रेडी होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और फिर उसके बाद गपशप लगाई, बच्चे भी खेल लेते हैं, और मतलब खाने पीने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, बस आपने खाना है और इन्जॉय करना है। सो यहाँ पर टी स्टेशन भी था जो कि बहुत अच्छी बात है, और टी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है खाना वगैरह खाने के बाद। खैर यहाँ से डिज़र्ट्स वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छी थी, सारा कुछ मैंने ट्राई किया, और ओवर ईटिंग हो जाती है जब भी आप कहीं जाते हैं ना बफे के लिए, सारी डाइट आपकी पोर्शन कंट्रोल साइड पे रह जाते हैं। एनीवेज बस उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे, और ये फ्राइडे हमारा इस तरह से ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, ऑल्डो का इतना अच्छा बैग है, और एक ना और एक्स्ट्रा ब्लैक बैग जो कि क्रॉस बॉडी बैग ना मैं सोच रही थी कि मैंने लेना है ना कुछ दिनों में, क्योंकि ब्लैक मेरे पास एक ही है गेस्ट का वो बैग है, और मतलब प्योर जैसे ये है ना सारा ब्लैक, ये मुझे ऑलरेडी चाहिए ही था, तो पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए। और नेक्स्ट फिर हमने सैटरडे को जाना था जी क्वीन एलिजाबेथ, तो उसके लिए तैयारी करनी थी, लेकिन फिर तिहामी ने कहा कि मामा मुझे आइसक्रीम तो खिला दे मैंगो की, तो इसकी मैं आपसे डिटेल बाद में शेयर करूंगी, हम वहाँ से वापस आएंगे ना संडे को, तो फिर हम आइसक्रीम खाएंगे तो आपसे भी शहजाद के रिव्यूज़ शेयर करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप तिहामी के देख लें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखें, हंसता मुस्कराता रखें, आमीन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये भी क्रीमी है, इसके ऐसे जो क्रीमी सा फ्लेवर होता है, और अच्छा मैंगो का फ्लेवर है, सॉफ्ट है यार, बहुत सॉफ्ट है, ऐसे है कि सॉफ्ट है, और मैंगो के वो जो अच्छा वो फ्लेवर से मैंगो मिल्शेक, ऐसे है जैसे मैंगो मिल्शेक को है ना, हाँ वाकई सॉफ्ट है, क्रीमी है, ये रख दो फ्रीजर में रखो मेरे।